मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। देखो क्या बिकम डॉक्टर, चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो। I want to become an Indian cricketer and I am taking coaching for it. चादर ओढ़े या खड़ा कोई। घूमने के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं और हम अपने माँ बाप के साथ यहाँ पे वो जगह घूमने जाते हैं। हमारा बचपन कश्मीर में बहुत अच्छा गुजरा है। हम जैसे देखे ये जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है तो यहाँ का नजारा बहुत अच्छा होता है। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सर हमारा जो कश्मीर का यहाँ पे आब हवा मौसम है सर बहुत ही मॉडरेट है, तो बहुत ही यहाँ पे मजा आता है सर। और जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है तो हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं बर्फ में। और सर काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पे अभी खेल कूद में, अभी पढ़ाई में भी। जो मेरे साथ के बच्चे हैं जिनके साथ मतलब जिनके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो उनमें भी काफ़ी जज्बा बढ़ रहा है गेम का। और काफ़ी मतलब स्कूल में भी हम खेलते रहते हैं सर, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है यहाँ पे गेम का, तो अभी बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं हालात यहाँ। अरे खुश होते हैं माँ बाप को कि लड़का पैदा हो जाए या बेटी, इनको पढ़ाए ऐसे स्कूलों में पढ़ाए जहाँ ये अच्छी तालीम हासिल करके बड़े बड़े अफसर या बड़े बड़े महकमों में काम करें या बड़े बड़े बिजनेसों में काम करें। ये हर किसी बाप और माँ की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छा ही रहे, तो अच्छा ही पढ़े। आपका बचपन कैसा बीता? बहुत अच्छी तरह, कोई टेंशन नहीं था, बिल्कुल मजे में। इस वक्त हमने प्रीमियर था, उस वक्त हमको अच्छा भी पूरा नहीं होता था, वो भी एक पचा यहाँ फटाता था, एक इधर से लंगोटा था, ये कोई टेंशन है प्रीमियर ये भी चार टुकड़ा होता था। जम्मू कश्मीर में एक तरफ हालात खराब होने की वजह से, उसके बावजूद भी मैंने बच्चों को खेलकूद में डाला है, कोशिश की है कि ये गलत रास्ता न पकड़े, एक अच्छा रास्ता पकड़े, ताकि ये आने वाले दिनों में तरक्की करेंगे, खेलकूद में भी तरक्की करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।